पहले आपकी अम्मी मुझे बातें सुनाती, फिर आपकी बीवी, छोटे बच्चे तक मुझे जलील करते थे, और जो रही सही कसर बच गई थी वो आपके दोस्त ने मुझ पे इल्जामात लगा के पूरी कर दी। चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। तुम क्या ये सब रट के आती हो क्या? मैं जानती हूँ ये वक्त बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए। जब अपने इस तरह छोड़ जाते हैं तो दिल किस कर्ब से गुजरता है मैं उसकी बहुत अच्छे से तकलीफ समझ सकती हूँ। लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि रामीन के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। रामीन का जहन ये मानने को तैयार ही नहीं है कि उसका बाप उसे छोड़ के चला गया है। मैं कुछ नहीं भूली, लेकिन हम आज मुझे ज़रूर भूल गए। पता नहीं उन्हें हो क्या किया, हर वक्त जब देखो गुस्सा नाक पे बैठा होता है, कोई सवाल करो तो जवाब नहीं आता, बात करो तो मुँह फेर लेते हैं, झूठ पे झूठ कहते रहते हैं। तुमने भी देखा है घर में कैसे मुँह लटका के घूमते रहते हैं, पता नहीं क्या हुआ। मुझे लगता है जैसे ना फुरकान ने मेरे बारे में कान भरे हैं हम आपके। तकलीफ हो रही है तुम्हें? तुम्हें तकलीफ हो रही है? तुम तो तकलीफ देने वालों में से होना रहता। मैं ना तुम्हारे बारे में सब समझ चुका हूं, सब तुम्हारी चाल थी ना। पहले तुमने फुरकान के साथ मिलकर नाज़नीन पर इल्जाम लगाया, उसे रुस्वा करके यहां से बाहर निकाला, और अब उसकी जगह पर बैठी हो।